नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं अर्थ न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं हूं शुभम बोगल। जिस तरह से हमने निकाय चुनावों के दौरान आप सभी अपने व्यूअर्स को बताया था कि इन चुनावों में पार्टियों को एक ज़बरदस्त टक्कर है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दे रहे हैं, और उसी तरह से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनु बाली जी जो रिहाड़ी वार्ड नंबर 24 से विजेता हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ न्यूज़ नेटवर्क में। हाँ जी, थैंक यू। और हमारी अर्थ न्यूज़ टीम की तरफ से आपको मुबारक भी है। थैंक यू। तो मैम, किन किन मुद्दों पर आपने ये इलेक्शन? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ सफाई का जी। सफाई का, बिजली का और स्ट्रीट लाइट्स का। तो मैम, हमने एक दिन आपकी इस वार्ड में दौरा किया था और काफ़ी देखा था कि काफ़ी गलियाँ टूटी फूटी हुई हैं और काफ़ी खस्ता हालत हमें जगह जगह पे देखने की मिली। इस वार्ड को वैसे भी इग्नोर बड़ा किया गया है यहाँ पे, मतलब सफाई की तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। और सीवरेज की, जो लोअर एरियाज है वहाँ सीवरेज की भी है काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे मुद्दे तो यही रहेंगे, सबसे पहले सफाई का, फिर उसका स्ट्रीट लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वो हमारा रिहाड़ी पार्क है, रिहाड़ी पार्क को भी हम विशेष ध्यान देंगे उसकी तरफ भी। तो कितना मुश्किल है हमें पार्टियों के आधार पर पूरी एक फाइट करने का? ये सारा हमारी वार्ड का सपोर्ट है और हमारी टीम का, हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा था, यूथ हमारे साथ था और महिलाओं का भी बहुत सहयोग मिला हमें। मैम, क्या काम रहेगा आपका पहला आपकी वार्ड के लिए? सबसे पहला काम होगा हमारा सफाई, उसके बाद हमारा लोअर हरी सिंह नगर और लोअर ग्रीन इनक्लेव, इन दो एरियाज पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है इस वार्ड में? इस वार्ड में गलियों टूटी हुई गलियाँ, सफाई की प्रॉब्लम और स्ट्रीट लाइट्स, ये तीनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। जो लोअर एरियाज है वहाँ पे तो मतलब मुझे लग रहा है कि 10-15 साल से वहाँ पे काम ही नहीं हुआ हुआ जी। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी पहले हम लोअर एरियाज हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले अपने वार्ड के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, तो अब हम उनके उनके सपोर्ट के कारण ही हम जीत पाए। अब हमारी यही रहेगी कि आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। तो जिस तरह से हमने लगातार निकाय चुनावों के दौरान अपने व्यूअर्स को बताया था कि इन चुनावों में क्या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या बीजेपी पार्टी को बात की जाए, उनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कि जो ज़बरदस्त टक्कर हैं वो दे रहे हैं। तो अनु बाली जी रिहाड़ी वार्ड नंबर 24 से विजेता हुई हैं, तो इनका कहना है कि इनकी वार्ड में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि गलियाँ टूटी हुई हैं और नालियाँ टूटी हुई, और इन्होंने पार्क के बारे में बताया और स्टील लाइट की बात की उन्होंने। तो ऐसी ही ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अर्थ न्यूज़ लाइव। कैमरामैन रोहित नंदन के साथ मैं शुभम बोगल, अर्थ न्यूज़ लाइव। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।